हेलो दोस्तों, सीटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखते कि कल जो हमने ऑप्शन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में कैसे काम करना है, कॉल में काम करना है कि पुट में काम करना है, और अगर सपोज दैट कॉल में काम करना है तो कौन से स्ट्राइक प्राइस में काम करना चाहिए और पुट में करना है तो कौन से स्ट्राइक प्राइस में करना है, पूरा डिटेल आपका एनालिसिस करके दिया था। और कौन से रेंज में ट्रेड लेना वो भी मैंने बताया था। तो जैसे कल का अगर आप वीडियो देखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, तो उसमें कॉल पुट कौन से स्ट्राइक पूरा रेंज मैंने बताया था। अभी आपको पता चलेगा कि 15,600 का जो पुट था वो हमने बाय करने की बोला था 129,137 के रेट में अगर मिलता है तो इसे खरीदना है, बाय करना है, ये मैंने कल के रिकॉर्डिंग में ही आपको बोला था। और आप देख सकते हो जब मार्केट यहाँ पे 21 तारीख को क्लोज हुआ था तो मोमेंटम की जो हम बात करते हैं ऑप्शन में हमेशा, कि जब भी ये रेंज मार्केट ब्रेक करेगा तो मोमेंटम अपने आप मिल जाएगा। तो जैसे ही 129,137 को मार्केट ने ब्रेक किया तो जोर से मोमेंटम, मतलब 50 पॉइंट तो ऐसे ही 10-15 मिनट में ही आपको मिल जाएंगे वहां से। मार्केट में जब ऊपर जाएगा, 199 का हाई कर दिया, एंट्री पॉइंट से 60 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, वहां से वापिस नीचे आया, डरने की बात नहीं है। मार्केट में ट्रेंड रहता है, मार्केट जब गैप अप करता है या तो गैप डाउन करता है, उसके बाद वो गैप फिल करने के लिए आता है। सेम चीज हुआ कि जब निफ्टी ने शॉर्ट गैप डाउन हुआ होगा तो आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मार्केट थोड़ा सा कूल डाउन होता है, थोड़ा सा पुल बैक करता है, और इसीलिए वो थोड़ा सा नीचे आता है। या तो ऑप्शन में बहुत लोग क्या करते, यहाँ पे खरीदते हैं और वापिस थोड़ा सा, मतलब 10-10 मिनट में लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, तो इसके लिए वो थोड़ा नीचे आया, लेकिन कहाँ तक आएगा वो पता होना जरूरी है। तो वापिस मार्केट अपने रेंज में आया, मतलब वापिस सेकेंड चांस आपको यहाँ पे मिलेगा और वापिस फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस हमें मार्केट में करना होता है। एग्जैक्टली कब ट्रेड लेना है, क्या करना, इसका डिटेल आपको यहाँ पे मैंने बता के रखा था कि कौन से रेंज में हमें मार्केट में काम करना है। और आज अगर एंट्री करेंगे 137,129 को, तो वहां से अगर मार्केट बात करेंगे तो लगभग 250 तक चला गया है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो इतना रेंज आपको प्रॉफिट में आराम से प्रॉफिट को बुक करने को मिल सकता है। और सेम चीज सपोज जब निफ्टी की बात कर रहे हैं, वैसे ही बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड दिया था, और जो लाइव मार्केट में हमने जो ट्रेड किया वो चीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लाइव मार्केट में क्या होता है कि एग्जैक्टली आपको टॉप लॉस वगैरह भी समझ में आ जाता है। तो जैसे आज मार्केट ने सपोज दैट गैप अप गैप डाउन किया, तो बैंक निफ्टी के सपोज दैट 23 जून के 15,600 के पुट में ट्रेड लेने के लिए मैंने बोला था 125-137 के रेंज में हमें बाय करना था, वो बाय कर दिया, टॉप लॉस 61 का लगा दिया, 192 का हमारा टारगेट था और 268 का सेकेंड टारगेट था। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में एंट्री लेने के बाद सीधा आधे घंटे में, 15-20-25 मिनट में ही अपना 192 तो पहले ही मिल गया। उसके बाद वापस मार्केट नीचे आया, वापस बहुत लोगों ने बाय किया, वापस मार्केट ऊपर गया, और अभी यहाँ पे 250 का हाई किया, 268 का हमारा टारगेट था, 15-20 पॉइंट बाकी रहा। उसके बाद और नीचे आया और वापिस अभी 210-205 को मार्केट ने क्लोज किया हुआ है। कल मार्केट वो टारगेट कंप्लीट करेगा हमारा, सपोज ये प्रोसेस करते हो, पोजीशन होल्ड कर सकते हो। जब हमने एंट्री लिया तो टॉप लॉस हमारे लिए सपोज 61 रुपीज का था, लेकिन जैसे ही मार्केट वापस हमारे प्रॉफिट में आएगा तो हमने प्रॉफिट तो बुक किया ही किया। और साथ में क्या करना, इंपॉर्टेंट चीज, ऑप्शन में जब आप काम करते हो तो आपको अपना टॉप लॉस एडजस्ट करते आना चाहिए। जो 61 का टॉप लॉस लगाया था, जो 1 बजे मैंने क्या किया, 105 का लगा दिया, मतलब रिस्क ऑलमोस्ट अभी 10-12-15-20-25 पॉइंट का रहेगा, बिल्कुल इसमें रिस्क और आधा प्रॉफिट वहाँ पे ऑलरेडी बुक भी हो चुका, मतलब ये ट्रेड में अभी कोई रिस्क ही नहीं है। तो ये ट्रेड को मैं लंबा खींचूंगा, अगर सपोज कल मार्केट और जोर से गिरता है तो मैं प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी नहीं करूंगा। बहुत लोग कोशिश क्या करते कि सर मार्केट में जैसे ही प्रॉफिट दिखता है तो हम बुक करके भाग जाते हैं, तो उसका रीजन यही की है कि ऐसा लगता है कि प्रॉफिट वापिस चला ना जाए, वो डर लगता है। तो उसी का स्ट्रेटेजी डेवलप करना जरूरी होता है, और ये कैसे करना वो पूरा हम लाइव मार्केट में यहाँ पे आपको बता रहे हैं। उसके बाद वापिस मार्केट जब ऊपर जा रहा है, तो ये जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो देखो 32,200 के पुट को मैंने वापिस होल्ड किया हुआ है और 15,600 के पुट को भी होल्ड किया हुआ है। जब सपोज हमने बैंक निफ्टी का जो रेंज दिया था 33,200 का जो पुट था, 315-360 में खरीदना था, 134 का, तब उस टाइम पे हमारा रिस्क स्टॉप लॉस लगा के रखा था। उसके बाद मार्केट देखो क्या हुआ, 650 और 870 का टारगेट है, ओके मैं दिखाता हूँ। और उसके बाद जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमने 232 का टॉप लॉस लगा दिया, मतलब क्या हुआ कि अभी बहुत 50-60-70 पॉइंट का सिर्फ टॉप का रिस्क बचा हुआ है, और इसे हम कैरी कर रहे हैं मार्केट में। अगर कल कोई भी रीजन से वजह से अगर मार्केट रिवर्स भी होता है तो 50 से 60-70 पॉइंट से ज्यादा नुकसान नहीं होगा,
पर मार्केट ऑलरेडी अभी भी अगर हम बात करेंगे 32,200 का जो पुट रहेगा, सपोज हम इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा 322, 325, 300 के रेंज में हमें बाय करना था, वहां से कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया और आप देख सकते हो 516 का मार्केट ने हाई किया हुआ, एंट्री से 150 पॉइंट मार्केट ने ऑलरेडी आपको प्रॉफिट दिखाया है और मार्केट वापिस नीचे। मेन इंपॉर्टेंट चीज अपने लेवल क्या देखो हमेशा, अगर बहुत बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो जाता तो वो रेंज हमने दिया था कि 438 भी चलेगा, लेकिन हमारे रेंज पे ही मार्केट खुला तो आपको आराम से ये रेंज में, और इसलिए लाइव मार्केट पे मैंने यहाँ पे ये ट्रेड भी दिया था कि एग्जैक्टली हमारा ट्रेड कौन से रेंज पे हुआ, 315 360 के रेंज में हमें मार्केट में ट्रेड मिल चुका है। वहां से मार्केट देखो वापिस नीचे भी आता है तो वही जोन में मार्केट आता है, वहां पे बाइंग आता है, वापिस मार्केट ऊपर जाता है, वापिस नीचे आया वापिस ऊपर जा रहा है। अभी कल मार्केट सपोज अगर गैप डाउन करता है तो हमारा ये जो पुट सीधा ऊपर चला जाएगा और हमारा टारगेट रहेगा इसके लिए 650 और 870 का टारगेट रखा हुआ, ये पोजिशन हमने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, इस हिसाब से हम ऑप्शन में काम कर सकते हैं, ये प्रोसेस हमें करना है। अभी बात आती है कि अगर अभी हम आज बैठे और आपने अभी कल कोई भी पोजिशन कैरी नहीं किया हुआ है और कल 23 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा तो मार्केट में कौन से कॉल और कौन से पुट में हमें काम करना है, क्या रेंज में काम करना है, बोले कल मार्केट में एक्सपायरी भी है, तो हम बात करते हैं फटाफट कि कल के लिए प्लानिंग क्या रहेगा। सपोज दैट तो हमें अगर सपोज दैट निफ्टी की बात कर रहे हैं तो 15,400 का यहाँ पे देख सकते हो, 15,400 का जो ये 15,400 का जो पुट है इसमें मुझे काम करना है। तो मैं आपको एक बार सब स्ट्राइक प्राइस बता देता हूँ कल का मुझे क्या काम करना है, आप देख सकते हो। तो मैंने कल का प्लानिंग क्या किया है देखो, ओके हाँ 15,400 का पुट और 15,400 का कॉल में हमें कल के लिए काम करना है और 32,800 के पुट में और 32,800 के कॉल में हमें काम करना है। यहाँ पे मैंने ये लगा के रखा हुआ है और उसका भी रेंज में आपको बता देता हूँ और एक्सपायरी कल का ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो मैंने चार्ट लगाया है अभी ये 15,400 का पुट का चार्ट लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी सपोज 80 रुपीज को क्लोज हुआ है, थोड़ा सा सेटल करके 2-5 रुपए इधर उधर रहेगा। तो कल के लिए मेरा प्लानिंग क्या है, अगर मार्केट थोड़ा फ्लैट भी ओपन होता है तो 66 और 70 के बीच में मुझे खरीदना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 66-70 के रूपए 60-70 रुपए की इसमें हमें मिलेगा, एग्जैक्ट रेंज 66 का है। अगर कल मार्केट थोड़ा गैप डाउन जाता है ओपन होता है तो मैक्सिमम 92 में खरीदूंगा, तो 66 से लेके 92 के बीच में हमें 15,400 के पुट को खरीदना है, उसका टॉप लॉस लगाएंगे 28 रुपए का और फिर वहां से मार्केट कम से कम आपको डबल का रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। ये प्रोसेस होगा 15,400 के पुट की हम कल की बात कर रहे हैं, ओके। वैसे ही सपोज दैट अगर मार्केट कल गैप डाउन नहीं होता है और कल अगर मार्केट में जैसे सपोज एक दिन के लिए कल मार्केट ऊपर गया तो वापस नीचे आया, आज वापस कल जब आने वाले कल में मार्केट वापस सपोज ऊपर अगर जाता है तो हमें पुट की जगह पे कॉल में काम करना पड़ेगा। तो 15,400 का जो कॉल है जो अभी 80-83 के रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर मार्केट में अप ट्रेंड आता है तो यहाँ पे भी फिर मार्केट में इसका कॉल का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ेगा, कल एक्सपायरी है तो जब तक 148-158 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता तब तक बाय को 15,400 के कॉल को खरीदने का कोशिश नहीं करना, अदरवाइज क्या होता है बहुत बार हम खरीदने की कोशिश करते हैं और मार्केट तो थोड़ा ऊपर जाता है लेकिन कॉल जीरो हो जाता है, तो उसमें मोमेंटम तभी आएगा अगर 148-158 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो ही खरीदेंगे, अदरवाइज कॉल को खरीदना नहीं है। ये प्रोसेस है, ये रेंज आपको एग्जैक्टली 15,400 के कॉल का रेंज आपको समझ में आ गया, ओके। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी का, 32,800 के कॉल की हम बात कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे ये 32,800 का कॉल मैंने आपको लगा के दिया है, मार्केट ऑलरेडी नीचे गिर रहा है तो कॉल का प्राइस नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे अभी मार्केट 180-190 पे रुका हुआ है। अगर कल कोई भी रीजन की वजह से अगर मार्केट में अप मूव आता है तो 321-336 के बीच में अगर मार्केट मिलता है तो ही मार्केट में बाय करना है कॉल को, 32,800 के कॉल को खरीदना है, तब तक कॉल में खरीदने की कोशिश मत करो, अदरवाइज टाइम देके आपको हैमर कर सकता है। तो यहाँ पे जब मार्केट ये प्राइस को क्रॉस करेगा तो अपने आप मार्केट में मोमेंटम आएगा और आपको यहाँ पे 150-200 पॉइंट का आराम से प्रॉफिट मिल सकता है। ये हो गया 32,800 की कॉल की प्लानिंग। वैसे ही सपोज ऑलरेडी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, मोटा मोटी कल का कोशिश भी मार्केट नीचे ही रहने की कोशिश करेगा, तो 32,800 का जो पुट है वो अभी चल रहा है सपोज 160, 190, 180 समथिंग के रेट में,
अभी वो क्लोज किया है, तो हमें कल अगर 145, 138, 128 के बीच में अगर मिलता है तो तुरंत लपक लेना है, तुरंत इसे बाइंग करना है, क्योंकि आज भी वही रेंज में मार्केट चल रहा था, कल वापस आपको वो रेंज में मिलता है तो वापस बाय करो। 77 का टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ से कम 300, 350 का टारगेट हम इसको पकड़ सकते हैं। तो इस सबसे 32,800 के पुट में काम करना है। और वापस लाइव मार्केट में कोई अगर चेंजेस होने वाला है तो ये ग्रुप में मैं हमेशा अपडेट करता हूँ क्या ट्रेड करना है, मार्केट कैसे काम करता है, तो उस सबसे वो काम कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने जो लेवल दिया हुआ है उतना लेवल आप मार्केट में अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और नेक्स्ट वीडियो करें अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।